कैंसर किया गया और पेशेंट इस समय लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में स्टेबल है, उनको अभी कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है। और हमारा जनपदवासियों से अपील है कि चूंकि वो उरई क्षेत्र में रहते थे तो कल से उरई क्षेत्र को आज रात से जो है लॉकडाउन किया जा रहा है, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ ना आए। किसी को भी अगर एसेंशियल सर्विसेज और एमरजेंसी के अलावा किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लोग अपने घरों में रहें। यहाँ से हम कंट्रोल रूम से नंबर जारी करेंगे जिसके माध्यम से आप अपने दवाई, अपने राशन और अपने जो फल और सब्जी खरीदना है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी हालत में आप जो है बाहर ना निकलें। पुलिस की पूरी चौकसी रहेगी, जो भी बाहर निकलेगा उसके खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, व्यक्ति का नाम हमें अलाउड नहीं है कहना, तो मैं उसको नहीं कह सकता। जो व्यक्ति इनसे पीड़ित है इस समय वो केजीएमसी अस्पताल में है, वहाँ वो आइसोलेशन में रहते हैं। इनसे संबंधित जहाँ जहाँ ये लोग मिले हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। इनसे संबंधित जो जो लोग हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जो इनके साथ संबंधित हाई कॉन्टैक्ट रिस्क हैं उनको अस्पताल में क्वारंटाइन किया जा रहा है और जो लो कॉन्टैक्ट रिस्क हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। अच्छा, चिकित्सा जगह से जुड़ी हुई? देखिए, ये तो बाद में आपको जानकारी हो जाएगी। जो भी लोग उनसे संबंधित होंगे वो उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर पिछले 10-15 दिन में उनसे मिले हैं तो वह बाहर आके जो है आराम से मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास सारी सुविधा है और डरने की भी कोई बात नहीं है। ये बीमारी जो है 80% लोगों को पता नहीं चलता है, तो हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप भी अपने घरों में ना फैला रहे हो। तो अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम लगता है, आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट आपका उनके साथ हुआ है, तो आप लोग जो है सामने आके जिला प्रशासन और अस्पताल से अपना बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, बारह बजे तक जो मार्केट खुले जा रहे थे वो खुले जाएंगे पूर्णतः लॉकडाउन? देखिए, उरई में अब पूर्णतः लॉकडाउन है। सर, जनपद में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी सीज किए गए? देखिए, जिस अस्पताल में संबंधित व्यक्ति जुड़े होंगे उनको जो है सावधानी के लिए जो है सीज किया जा रहा है, ताकि अगर कोई संबंधित व्यक्ति जुड़ा हो तो उसको जो है कॉन्टैक्ट के माध्यम से जो है होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। कितने अस्पताल? फिलहाल तो हमें जिन दो अस्पतालों की सूचना है, बाकी के बारे में हम बात करें।